जंगल भर गया, मैं आदमी को कर दूंगा, जानवर पन्ने खाएंगे तो मर जाएंगे, लोग पन्नों में सामान रखते हैं तो जहर फैल जाता है। रुको पन्नी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, हम सब पन्नी बंद कर रहे हैं, पन्नी का उपयोग कोई नहीं करेगा, हम सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझ में भी आ गया है। हाँ, पन्नी मुक्त शहर बनाया जा रहा है, अब तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है पन्नी। यह सब बेकार की बातें हैं, सब पन्नी से ही प्यार करते हैं। कोई बेकार की बातें नहीं है, पन्नी से कोई प्यार नहीं करता है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह झोला बैंक बर्तन बैंक खोले जा चुके हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आता है, समझ लो अब तुम्हारा कोई नहीं ठिकाना। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो पन्नी, तुमको बस करना ही पड़ेगा, तुम नहीं जानते हो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिन दुकानों में पन्नी पाई जाती है उन दुकानों में पहले भी कार्रवाई की जाती है, अब तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है पन्नी। बंद करो पन्नी, ना तुम जमीन बंजर कर सकते हो, ना तुम नाली चौक कर सकते हो, ना जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हो, हमारी कोई नहीं ठिकाना, हम सब अब झोला बनाएंगे, छोड़ो प्लास्टिक थैली, हम सब लेंगे खाना। सभी लोग अपना सीधा हाथ आगे करेंगे, मैं बोलूंगी, मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। हम अमर पाटन के निवासी होने के नाते ये शपथ लेते हैं कि अपने अमर पाटन को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे, ना तो गंदगी करेंगे, ना किसी को करने देंगे, अपने घर कार्यालय कार्यस्थल एवं दुकानों से निकलने वाले कचरे का अलगाव करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, घर से बाजार जाते समय झोले का उपयोग करेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में अपने अमर पाटन को उत्कृष्ट स्थान पर लाने के लिए अपना पूर्ण योगदान देंगे। जय हिंद। हमारे घर से जो कचरा निकलता है वो चार प्रकार का होता है, किचन से निकलने वाले फल सब्जी के छिलके बचा हुआ खाना, ये गीला कचरा है, इसे हमें हरी डस्टबिन में रखकर गाड़ी के हरे खंड में डलवाना चाहिए। हमारे घर से निकलने वाला सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक पन्नी कपड़ा, ये सूखा कचरा हमें नीली डस्टबिन में रखकर गाड़ी के नीले खंड में डलवाना चाहिए। हमारे घर से निकलने वाला हानिकारक कचरा जैसे फ्यूज बल्ब फ्यूज ट्यूबलाइट बैटरियां खराब हो जाती है, ये हानिकारक कचरा है, इसे हमें अलग रखकर काली डस्टबिन में डल, घर में यूज होने वाले सैनिटरी वेस्ट उसे हमें पीली डस्टबिन में रखकर गाड़ी में पीछे पीला डब्बा होता है उसमें डलवाना चाहिए। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये हम लोग कचरे का प्रतिकरण क्यों करें, क्यों हम लोग ये सब अलग करें, कचरा अलग अलग करने से होगा क्या? जैसे हमारे घर से जो फल सब्जी के छिलके निकलते हैं उसका उपयोग हम अपने घर पर ही कर अपने घर पर खाद बनाकर अपने घर के बाग बगीचे को हरा भरा कर सकते हैं। सूखे कचरे से बिजली बनती है, आप सभी को पता होगा। सैनिटरी वेस्ट अगर हम अलग से देंगे उसका रखते हैं, और जो हानिकारक कचरा है उसको हम अलग से डालकर उसे भी नष्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें कचरे को अलग अलग करना है। अब आपके सामने एक नृत्य होने जा रहा है। स्वच्छता अभियान